ये हम सब की तरफ से मैं सुनाता हूँ। आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें कि आपसे हमारे युवा उम्मीदवार भाई आदित्य देवीलाल जी आपसे रूबरू होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं और लालजी टाक जो कि गंगानगर से इनको यानी किया गया है, ये हमारे प्रवासी सह संयोजक के रूप में प्रवासी सह संयोजक भाई प्रहलाद जी टाक को राजस्थान से नियुक्त किया गया है और ये चुनाव प्रचार के अंतिम मिनट तक हम सभी के बीच में रहेंगे, अपने अनुभव के दायरे में रहते हुए हमें मार्गदर्शन देंगे ताकि चुनाव को भली भांति और रणनीति के रूप से लड़ा जा सके। और हमारे बीच में उपस्थित है भाई अमित चंद जी मेहता जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं, हमारे इलाहाबाद मार्केट कमेटी के सामान्य चेयरमैन हैं और इन्हें भी संगठन के रूप में भाजपा की तरफ से डबल विधानसभा के लिए प्रभावित किया गया। मेरे उससे आगे बैठे भाई बलदेव सिंह सुनागैना जो कि डबाली मार्केट कमेटी के सामान्य चेयरमैन हैं, हमारे डबाली का जाना माना चेहरा है। और उसके बाद हमारे शिषपाल जी कम्बोज बैठे हैं जो कि रानी मार्केट के चेयरमैन हैं, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो भी हमारे बीच में आपसे उपस्थित हुए हैं। और उस तरफ हमारे भाई कुमार जी शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, डबवाली से 2014 का चुनाव लड़ चुके हैं और अब वो डबवाली के साथ साथ सिरसा विधानसभा के प्रभारी का दायित्व भी निभा रहे हैं। मेरे साथ बैठे मेरे भाई श्री जग्गा जी जो कि पूर्व जिला महामंत्री बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं और उनके आगे हमारी इस डबवाली विधानसभा की आन पान और शान मेरे भाई विजय बदवा जी जो कि जिला महामंत्री के रूप में अपना दायित्व संगठन के रूप में बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे तीनों सम्मानित मंडल अध्यक्ष, ओडा से हमारे मंडल अध्यक्ष भाई सतेंद्र गर्ग जी, बोरीवाला मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई अमीलाल जी पारिक और डबवाली मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई गौरव मोहंगा जी भी उपस्थित हैं, अभिमन्यु कौशल जी जो कि यहाँ के महामंत्री हैं, हमारे भाई अनिरुद्ध चौटाला जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं इन सभी की तरफ से, मेरी तरफ से, भाजपा परिवार की तरफ से उन्हें आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मैं पूरी तरह से सहयोग और आशा की उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि परिवर्तन की जो लहर 2014 में चली थी उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप सभी की थी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर पूरी तरह से जागरूक ना होता तो जो मुहिम मोदी जी को पहली बार प्रधान सेवक के रूप में दी और उन्हें आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और हम ऐसी आशा करते हैं कि माननीय मनोहर लाल जी जो कि ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में प्रसिद्धि पा चुके हैं, उनकी कार्यशैली, उनकी ईमानदारी, उनकी सोच और उनके द्वारा किया गया विकास का जो नज़रिया है वो वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है। और मैं आशा करूँगा आप सभी के सहयोग से पुनः मनोहर जी भी इस प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री के रूप में संभालेंगे। आप सभी बहुत समय से बैठे हैं, मैं मेरे भाई आदित्य चौटाला जी से निवेदन करूँगा आपसे रूबरू हों किस विजन को लेकर के डबवाली विधानसभा में वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो आशीर्वाद वास्तव में मिला है माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और भाई सुभाष चौटाला जी ने जो एक युवा साथी को आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को खरा उतारने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मैं भाई आदित्य से निवेदन करूंगा कि अपना विजन रखते हुए हमारे प्रेस वाले बंधुओं से, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से रूबरू हों भाई आदित्य चौटाला। सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने डबवाली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। साथियों, तमाम हमारे ज़िले की टीम, हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र गुरप्रीत जी, हमारे प्रभारी डबवाली विधानसभा के अमित चंद मेहता जी, हमारे साथ रानिया मार्केट कमेटी के चेयरमैन शिषपाल कमोर जी और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई देव कुमार जी, डबवाली मार्केट कमेटी के चेयरमैन सरदार बलदेव सिंह मंगेना जी, हमारे जिला महामंत्री श्री विजय वधवा जी व सतीश जग्गा जी, तमाम सीनियर कार्यकर्ता आज सब हम इकट्ठे एकत्रित हुए हैं और ये जो हमारा चुनाव अभियान है सब लोग इकट्ठे होके गांव के अंदर पार्टी के प्रचार कर रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस बार डबवाली जो है सत्ता के साथ चले। पिछले 15 सालों से डबवाली हमारी हमेशा विपक्ष में रही है, सरकार जिस किसी की बनती थी एमएलए विपक्ष का होता था। साथियों,
और हम इसी कारण हमारे डबौली विकास के क्षेत्र में पीछे रहे, क्योंकि जो MLA यहाँ से जीत के जाया करते थे वो कभी डबौली जनता के सामने नहीं आए, उन्होंने डबौली जनता के लिए कोई डेवलपमेंट की आवाज़ नहीं उठाई कभी भी आज तक। और माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। हमारी डबौली विधानसभा के अंदर विपक्ष का MLA होने के बावजूद भी माननीय मनोहर लाल जी ने यहाँ लगभग 250 करोड़ रुपये की ग्रांट दी, तमाम देहात में खूब काम हुए, ऐसे ऐसे काम हमने नए आयाम स्थापित किए। आज तक डबौली विधानसभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स पे पैसा नहीं लगा था, पहली सरकार है जिसने खेलों में 19 करोड़ रुपए लगा के लगभग 40 गांव में खेल सुविधाएं देने का काम किया। ये पहली सरकार है जिसने लगभग 18 करोड़ रुपए लगा के 42 गांव के जोड़ों की चारदीवारियाँ करने का काम किया, ताकि हमारा जो गाँव के अंदर जो ज़मीनी पानी है उसका संरक्षण किया जा सके। ये पहली सरकार है जिसने डबौली विधानसभा के अंदर मॉडर्न ITI बनाने का काम किया जिसकी लागत लगभग 8.5 करोड़ रुपए थी। ये पहली सरकार है जिसने 40 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 421 गलियां अलग अलग गांवों में बनाने का काम किया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी लगभग 5 स्कूलों को अपग्रेड किया गया। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डबौली का हॉस्पिटल उसको अपग्रेड करके 100 बेड किया, चौटाला के हॉस्पिटल को 50 बेड किया, गंगा के अंदर नई PHC बनाने का काम किया। और साथियों सबसे बड़ी बात, किसानों के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना, किसान पेंशन योजना लागू की जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। उन्हें ये भरोसा और विश्वास हुआ कि किसान की अगर फसल खराब हो जाए तो सरकार उन्हें इसी रूप में फसल बीमा क्लेम देने का काम करे। इसी को आगे लेते हुए हमारे इसी क्षेत्र के अंदर गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादियों के लिए, उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डबौली विधानसभा के अंदर लगभग 34 गांव के अंदर मैरिज प्लेसेस बनाने का काम किया। इसी विजन को हम आगे लेते हुए साथियों हमारे डबौली के अंदर शहर के अंदर जो व्यवस्थाएँ थी वो सही नहीं थी, क्योंकि हमारा नगर पालिका में बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी सरकार ने नगर पालिका को पैसा दिया। आज लगभग 40 करोड़ से ऊपर रुपया नगर पालिका के पास पड़ा है। हमारे प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में OSD थे, उन्होंने नगर पालिका में जब खुद उस टाइम OSD थे तो पैसा पड़ा था, उसको विड्रॉ किया। इस सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने, एक पैसा भी डबौली की जनता का वापस नहीं लिया। साथियों पेयजल पे भी सरकार ने काफ़ी काम किया, लगभग 97 करोड़ रुपए लगा के हर गांव के अंदर पेयजल व्यवस्था की, इंडिपेंडेंट वाटर वर्क्स बनाए। आज हमारे डबौली विधानसभा में मात्र 2 गांव ऐसे, तिगड़ी और चट्ठा, जिनका कंबाइंड वाटर वर्क्स है, बाकी सब गांव का हमने इंडिपेंडेंट वाटर वर्क्स किया है, पाइपलाइंस लगाई है। हमारा विजन डबौली की जनता के लिए है कि डबौली विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र था, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मनोहर लाल जी की, इस सरकार ने हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए ग्रांट देके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, विकास के पहिए को गति देने का काम किया। जो विकास का पहिया पिछले 10-15 सालों से रुका हुआ था उसे गतिमान करके सरकार ने भरोसा और विश्वास आमजन के बीच में पैदा किया, ताकि लोग ये समझा करते थे कि ये जो इलाका है ये अपोजिशन का इलाका है। आज जन जन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गाँव में बड़ी ज़बरदस्त लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसी के साथ साथ शहर के अंदर भी हमने एक विजन रखा है, हमारा डबौली शहर के अंदर बड़ी संकरी गलियां हैं, इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की वायरिंग सारी चेंज करने के लिए भी हमने प्रपोजल दे रखा है और काम शुरू है। ये माननीय मनोहर लाल जी की घोषणा थी कि जो संकरी गलियाँ हैं उनमें सारे बिजली की तारें 4 कोर सिग्नल वायर चेंज लगाया जाए, लगभग 30-32 किलोमीटर तारें चेंज की जा चुकी हैं, धीरे धीरे काम प्रोग्रेस में सारी डबौली की गलियों की हम वायरिंग चेंज करने का काम करेंगे, ताकि बिजली की समस्या अगले 20-25 सालों के लिए डबौली के वासियों को ना भुगतनी पड़े शहरवासियों को। साथियों शहर के अंदर एक्सेस पॉइंट नहीं है एंटर होने के लिए, माननीय मनोहर लाल जी की घोषणा बस स्टैंड रोड को चौड़ा करने वाले थी, उस पर काम शुरू है, लेकिन एक उसमें दिक्कत थी कि वहाँ पेट्रोल पंप था, उसकी NOC के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजा है,
जैसी NOC आएगी उस गली को हम चौड़ा करने का काम करेंगे ताकि डबरी शहर के अंदर जाने के लिए जो रास्ते हैं वो खुले हों। साथियों, डबरी की भौगोलिक स्थिति, जो शहर बसा है वो रेलवे लाइन के दोनों तरफ बसा है। रेलवे लाइन के उस तरफ जाने के लिए मात्र 3 रास्ते थे, 2 फाटक और 1 अंडरब्रिज। अब हमने इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सांसद माननीय सुनीता दुग्गल जी से हमने दरख्वास्त की थी कि वो रेलवे मिनिस्टर के पास डबाड़ी की समस्या को रखे। एक लोडिंग अनलोडिंग जो यार्ड है, इसको हम वहाँ से उठा के रामबाग के पीछे जहाँ अभी कचरा प्रबंधन डाला जाता है कचरा, वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग यार्ड लगाएं ताकि जो स्पेशल्स लगती हैं महीने में 17-18, लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती है, वो स्पेशल जो यार्ड है उसको आगे करके और 2 स्कूटर और ब्रिज डबाड़ी की जनता को नए देने का काम करेंगे। 1 स्कूटर ब्रिज जो MP कॉलेज का रास्ता है वहाँ से सीधा चौक तक रेलवे लाइन रोड के साथ लगती है, जो रोड है उस चौक तक आए। दूसरा नेहरू स्कूल वाली गली से लेके सीधा सब्जी मंडी तक, क्योंकि व्यापारी भाई ज़्यादातर 2-व्हीलर यूज़ करते हैं और फाटक के ज़्यादा समय बंद रहने के कारण उनको बड़ी परेशानी और दिक्कत आती है। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने डबाड़ी की जनता के लिए 2 स्कूटर ब्रिज का हमने प्रपोजल माननीय संसद जी द्वारा रेलवे मंत्री जी के पास भेज दिया है। बहुत ही जल्द उस पर हमें NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सरकार द्वारा स्कूटर ब्रिज का निर्माण हम शुरू करने जाएंगे। इसी के साथ साथ साथियों, डबाड़ी के अंदर कोई ऐसा पार्क नहीं है जिसमें लोग घूम सकें। हमारा जो पुराना हॉस्पिटल था शहर के अंदर और पुरानी तहसील थी, उसे डिसमेंटल करके वहाँ एक बड़ा सुंदर स्वच्छ पार्क बनाने का काम करेंगे ताकि लोगों को सुबह शहर के लिए बाहर गलियों में या दूर दराज तक ना जाना पड़े। वहाँ पे एक अच्छा पार्क बनाने का काम करेंगे ताकि शहर के उस तरफ के लोग अपना एक रिक्रिएशन पॉइंट जहाँ पे वो बैठ सकें, बच्चों के साथ सैर कर सकें, वो हमने एक आगे अपना विजन रखा है। इसी के साथ साथ साथियों, स्टेडियम के अंदर भी हमने इसको स्विमिंग की एकेडमी खोलने का भी प्रपोजल सरकार के पास भेजा है, जिसका सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए संज्ञान में लेके आए थे। उससे पहले आचार संहिता लगी, यहाँ एक बहुत बड़ी स्विमिंग एकेडमी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एरिया देहाती एरिया है और सबसे ज़्यादा नहरें यहाँ पे हैं, हमारे बच्चे नहरों में नहाते हैं। अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटेशन मिल जाए तो मैं समझता हूँ हर गाँव के अंदर स्विमिंग के नेशनल खिलाड़ी निकलेंगे और इससे जो शहरवासी है उनको उनके लिए भी एक नया आयाम स्थापित होगा कि उनके स्विमिंग एकेडमी होगी तो शहर के लोग भी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी के साथ साथ साथियों, हमारे डबाड़ी के अंदर जो गलियां हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। हमारी नगर पालिका थी वो कांग्रेस का बहुमत था, उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया, 5 साल सरकार को कोसने का काम किया। जब भी वो कोई एजेंडा डालते थे तो आजा हाफ एजेंडा डाल के सरकार के पास भेजा करते थे। उस के अंदर सरकार उन्हें लिखा करती थी कि आप एजेंडा पूरा भेजें, लेकिन पार्षद कांग्रेस के थे और उनके जो आका थे वो भी कांग्रेस ही थे, उनके बॉस, वो कहा करते थे कि अपने पूरे एजेंडा मत डालो क्योंकि डबाड़ी की जनता के अगर काम होंगे तो श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। आज डबाड़ी की हालत के अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो लोग हैं जो लोग हाउस के अंदर बहुमत होने के बावजूद भी डबाड़ी का विकास नहीं कर पाए। तो हमने एक प्रपोजल रखा सरकार के सामने कि अगर सरकार सिंगल टेंडर करे और एक ही फर्म को टेंडर दें ताकि गलियों की जो मरम्मत है वो एक ही कंपनी द्वारा एक ही लेवल मेंटेन करके ऊंची नीची ना हो, किसी गली के अंदर पानी वाटर लॉगिंग ना हो, पानी की समस्या ना रहे। तो सरकार ने हरियाणा के अंदर 1-2 नगर पालिकाओं में ऐसा कार्य कर रखा है। डबाड़ी की नगर पालिका के पास पैसा बहुत पड़ा है लेकिन काम करने की ना नीति थी इनके पास, ना कांग्रेस के पास नीयत थी। और सरकार बहुत जल्दी, आज नगर पालिका आपसी इनके झगड़े कारण भंग हो चुकी है, चुनाव के बाद हम तमाम गलियों को बनाने का काम करेंगे। और एक भरोसे और विश्वास के साथ बताना चाहूँगा, हम हर एक गली का वार्ड वाइज गली बनाएंगे। पता लगे कि आप किसी वार्ड में आ गए तो उससे पहले कोई कलरफुल हम स्टाइल्स लगाएंगे ताकि आदमी को ये पता लगे कि ये वार्ड नंबर 3 है, ये वार्ड नंबर 4 है। इस प्रकार से हम वार्ड को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके बनाने का काम करेंगे। पेयजल व्यवस्था के लिए
जो डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ, उसने लगभग सेवर और पेयजल के लिए 47 करोड़ रुपए का प्रपोजल सरकार के पास भेजा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक दो गलियों के प्रपोजल भेजते थे और वो टेंडर अपने जेलों को ये दे दिया करते थे। उससे सबसे भारी समस्या थी कि लेवल मेंटेन नहीं होते थे, जो लो लाइन एरियाज में पाइप डलती थी वो सीवर बैट मारा करते थे। हमने 47 करोड़ रुपए के वाटर सप्लाई और सीवरेज के कंबाइंड टेंडर हमने सरकार के पास प्रपोजल भेजा है और बहुत शीघ्र ही ये टेंडर चुनाव के बाद लगेगा और तमाम डबाली शहर के अंदर जितने भी अप्रूव कॉलोनी है उन सब में एक साथ ये हम काम करने के लिए काम इसका एजेंडा डाल के और काम शुरू करवाएंगे। डबाली के लिए और देहात के लिए भी हमारे पास एक विजन है। हमारी पंजाबी बेल्ट जो है वो नशे से तबाह हो चुकी है और ये नशा कोई आज से नहीं है, सन 2005 से 2002 से चौटाला साहब के राज में भी मुखी पोस्ट का यहाँ बहुत बड़े लेवल पे काम धंधा हुआ करता था। आज वो धीरे धीरे चिट्टे का रूप धारण कर चुका है। जितने भी युवा साथी हैं, पढ़ने लिखने के बाद कोई ऐसा रोजगार नहीं था, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी। हम यहाँ पे इंडस्ट्री लाने का काम करेंगे ताकि रोज़गार उनको मुहैया, उसके बेरोजगार बच्चों को। और इसी के साथ साथ पंजाबी बेल्ट के अंदर स्पोर्ट्स स्कूल के हम सरकार को कहेंगे स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाए ताकि नशे की रोकथाम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि जितना भी यूथ है उसको मोबिलाइज करें ताकि वो अपना रुझान खेलों की तरफ दिखाए। क्योंकि अगर वो खाली रहेगा तो शायद उसका दिमाग किसी और रास्ते जाएगा। स्पोर्ट्स के द्वारा भी हम एक नौजवानों को एक नया आयाम देने का काम करेंगे, उसके जरिए भी वो नौकरी पा सकते हैं। तो पंजाबी बेल्ट के लिए भी हमने ये प्रपोजल सरकार के सामने भेजेंगे चुनाव के बाद। ये हमारा विजन है कि पंजाबी बेल्ट के अंदर MSDP स्कीम के तहत एक स्पोर्ट्स स्कूल बनाया जाए। हमारे यहाँ के साथियों, सबसे भयंकर चीज़ आ रही है सामने हमारे कि कैंसर बहुत लोगों के ग्रामीण अंचल में है। यहाँ सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि एक कैंसर का कोई रीजनल रिसर्च सेंटर खोला जाए जिसके द्वारा लोगों को दूर दराज के इलाके में ना जाना पड़े, नज़दीक जाके उन्हें ये पता लग सके कि किस तरीके का कैंसर उन्हें है। तो रीजनल सेंटर सिर्फ कैंसर डिटेक्ट करने का ही एक सोर्स होगा जिसके द्वारा एक व्यक्ति को ये बताया जाएगा कि आपको फलाने दिक्कत है, आप फलाने डॉक्टर से या फलाने हॉस्पिटल से आप जाके अपना इलाज करें। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हम काम कर रहे हैं। किसानों के प्रति भी सरकार बड़ी गंभीर है। सरकार ने किसान फसल बीमा क्लेम में बहुत पैसा दिया है और एक सरकार ने नई योजना लागू की जो किसान पेंशन योजना है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार की किसान पेंशन योजना जिसके तहत 6,000 रुपये वार्षिक एक किसान को दिए जाने हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मनोहर लाल जी ने 6,000 रुपये अपनी तरफ से किसानों को देने का ऐलान किया। सरकार ने भी कुल मिला के 12,000 रुपये हर एक किसान को सरकार एक वर्ष का देने का काम करेगी। साथियों, हमारे यहाँ पे सारी सिंचाई जो है वो नहरों द्वारा की जाती है और नहरें जो हैं वो सन 52 और 54 की बनी हुई है, बड़ी खस्ता हालत है। हम इस दफ़ा हमने डबली विधानसभा की 11 नहरें नाबार्ड में भेजी हैं। सरकार की STC जो टेक्निकल कमेटी है उसके द्वारा वो नहरें अप्रूव हो चुकी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमने भेज दी हैं। हर साल हमें 250 करोड़ रुपया मिलता है हरियाणा को नाबार्ड का। इस दफ़ा उस 250 करोड़ में डबली विधानसभा को 27 करोड़ रुपये के हमने प्रपोजल भेजे हैं। 10% जो प्रपोजल हैं वो हमने डबली क्षेत्र विधानसभा को देने का काम किया है। इसी के साथ साथ सरकार के अंदर जो खाड़ निर्माण नीति है उसमें भी बदलाव करते हुए जो खाड़ 15 साल 20 साल में बनते थे, सरकार ने एक नीति और लागू की कि किसान भाइयों को फायदा हो और उसके अंतर्गत अब 15 साल में भी खाड़ बनेंगे। उस 15 साल में शेयरिंग बेसिस खाड़ होंगे, 25% किसान को जमा कराना पड़ेगा, 75% सरकार उस खाते में जमा कराएगी और खाद के लिए पहल किसान को दी गई है कि किसान समिति अगर अपना खाड़ा खुद बनाना चाहे तो पहला उनको ऑप्शन है, अगर वो नहीं बनाएंगे तो उसके बाद टेंडर फॉर्म होगा। तो एक ये नई नीति किसानों के हक में सरकार ने लागू की। साथियों, इसी के साथ साथ जो किसान पाइपों के द्वारा खेती किया करते थे, ट्यूबवेल लगा के पाइप डाल के अपने खेतों तक पानी ले जाया करते थे, एक नया सरकार ने अध्याय रचा
इतिहास रचने का काम किया कि सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया राइट ऑफ वे जिसके अंतर्गत कोई भी किसान दूसरे किसान की पाइपलाइन नहीं फाड़ सकता, कोई भी किसान दूसरे किसान को पाइप दबाते हुए रोक नहीं सकता। हमने किसान को सुरक्षित करने का काम किया है ताकि वो अपनी सिंचाई से अपनी भूमि की पैदावार बढ़ाए, अपने परिवार की आमदन बढ़ाए, अपने परिवार का लालन पोषण करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इसी तरीके को आगे लेते हुए हम सरकार के अंदर बैठे हैं और आने वाली सरकार भी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब दवाली की जनता ने अपना एक मन बना लिया है, क्योंकि इतने काम जब इस दवाली विधानसभा में हुए तो निश्चित तौर पे दवाली के प्रत्येक व्यक्ति ने, ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति ने ये काम होते हुए देखे और उसके मन में अब एक भाव है और एक भरोसा जगा है कि आने वाली विधानसभा 21 अक्टूबर को दवाली हल्के के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार के साथ चलने का काम करेंगे। इतने साल विपक्ष में रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। इस दफा हर व्यक्ति को ये उम्मीद और भरोसा है कि दवाली विधानसभा कमल के फूल के निशान पे माननीय मनोहर लाल जी की झोली में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। आज मेरे साथ जितने भी हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, इन्हें पूरा इनका विश्वास, भरोसा और इनका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। और हम गांव के अंदर भी हमारे जितने भी मंडल टोलियां हैं, हमारे जिले टोली हैं, हमारे जितने भी संगठन हैं, चाहे वो किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, सारे संगठन मेहनत कर रहे हैं और दिल जान से हम जुटे हुए हैं। हम यहाँ पे इस बार ये बिरानी जमीन भूमि थी, क्योंकि बिरानी भूमि इसलिए कहना चाहूँगा कि हमेशा ये क्षेत्रफल रहा है इंडियन नेशनल लोकदल का। इस दफा इस बिरानी भूमि में कमल खिलाने का काम करेंगे और ये काम आदित्य अकेला नहीं, हम सब लोग जो बैठे हैं सारे साथी, इन सब साथियों ने प्रण लिया है कि इस दफा दवाड़ी से कमल का फूल जीतेगा। और यहाँ सरकार ने जितने भी कार्य किए उन कार्यों को लेके नियमित लोगों में भरोसा और विश्वास है। और लोगों में सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बिना भेदभाव, बिना पार्टीबाजी, बिना किसी छोट मोट के, बिना किसी बड़े छोटे को ध्यान में रखते हुए भी बहुत से विकास के काम किए। मैं आपके उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा, मेरा खुद का गांव चौटाला है जिसमें सरकार ने लगभग 8-9 करोड़ रुपए लगाने का काम किया। अबूशहर गांव में लगभग 11 करोड़ रुपए लगाने का काम किया। इसी प्रकार हर गांव में करोड़ों रुपए की ग्रांट लगा के सरकार ने विकास के पहियों को गति दी, आम जन को ये सहूलियत दी ताकि आम जन जो दिक्कतों से जूझ रहा था, आज वो परेशानियां दूर हो गई हैं। मैं मानता हूं अभी भी बहुत से काम शेष हैं करने बाकी, लेकिन विधानसभा चुनाव हमारे ऊपर है, हमारे सामने है। इस दफा तमाम लोग इकट्ठे होके कमल का फूल खिलाएंगे और विधानसभा के अंदर दबाड़ी इस बार अपनी हाजिरी दर्ज करेगा। आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो मैं आपके जवाब देना चाहूँगा। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपने कहा, हाँ जी, तो हाँ, का हाँ जी, लेकिन उसमें जो चाहिए था वो शहर को लोगों को नहीं मिला, जैसे डॉक्टर मिले ना, टेक्सीन मिले, किसी तरह कोई सुविधा। देखिए मैं एक उसके लिए बार बार लोगों को संघर्ष भी करना पड़ा। हाँ जी, मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूँगा जी कि सरकार ने, ये पहली सरकार जिसने MBBS डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट की कॉल करी, और आप सब लोग पत्रकार बंधु हैं, बड़े सीनियर पत्रकार बंधु हैं, अब से पहले अगर किसी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट होती थी वो प्रोसेस लंबा होता था, सरकार ने उस प्रोसेस को शॉर्ट करते हुए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इंटरव्यू बेसिस पे, मेरिट सिस्टम पे। 463 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी और जब रिक्रूटमेंट की गई तो डॉक्टर्स ने आके इंटरव्यू दिया, लेकिन ज्वाइन सिर्फ 83 कर पाए, 83 ज्वाइनिंग हुई। तो सरकार की तरफ से कहीं पे भी ये नहीं है कि सरकार ये नहीं चाहती कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सरकार ने हर तरीके से स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। आज मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे पिछले जो काल था, कांग्रेस का काल था, उस काल में यहाँ के जो नुमाइंदे थे डॉक्टर KV सिंह थे, और उनका खुद का गाँव चौटाला है। चौटाला गाँव के अंदर सिविल हॉस्पिटल था और सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने 9 साल में एक पैसा भी लाने का काम नहीं किया, और हॉस्पिटल के हालात इतने बदतर थे कि गांव के लोग परेशान थे
प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके इलाज कराया करते थे। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने चौटाला सिविल हॉस्पिटल में 1,28,00,000 रुपए लगाए और स्वास्थ्य सुविधाओं को नए तरीके से जुटाया। सारी जो फर्नीचर है, मशीनरी है, सारी हमने नई रखने का काम किया ताकि चौटाला के इलाके हॉस्पिटल के नीचे 23 गाँव आते हैं, 23 गाँव को स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें। डबाड़ी के हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का काम किया। आज डबाड़ी के हॉस्पिटल के अंदर सारी नई मशीनरी, बेड्स, हर चीज़ नया रखा हुआ है। जहाँ तक आप कह रहे हो कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, देखिए पूरे हरियाणा के अंदर डॉक्टर्स की कमी है। हर ज़िले को उसका शेयर देना पड़ता है और ये कमी सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार ने रिक्रूटमेंट कॉल की लेकिन डॉक्टर्स आए, इंटरव्यू दिए, ज्वाइन नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर्स का क्या कारण रहा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके लोगों को। जैसे आपने अभी नशे में बात कही, हाँ जी, चौटाला सरकार में पोस्ट रखी हुई, हाँ जी, उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, हाँ जी, कांग्रेस सरकार में जो मेडिकल ड्रग्स है, हाँ जी, फॉरेक्स वगैरह, हाँ जी, सिली टेबलेट्स, हाँ जी, वो खूब बिकी डबल, हाँ जी, मौजूदा समय भाजपा की सरकार में खूब बिक रहा है, हाँ जी, पूरे जिले में। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये नशा जो चिट्टा है ये भी एक तरह का मेडिकल फॉर्म नशा है और ये सारा पंजाब से पेनिट्रेट हो रहा है। ये सबसे बड़ी भयंकर बीमारी पंजाब के अंदर है और इस पर एक पिक्चर भी बनी है, उड़ता पंजाब। वो पिक्चर पूरे हिंदुस्तान ने देखी है कि पंजाब किस तरीके से नशे की ग्रस्त में है और वो नशा धीरे धीरे साथ लगते प्रांतों में आ रहा है, राजस्थान, हरियाणा, और सरकार बड़ी कोशिश कर रही है कि इसको रोका जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से आम जन को भी संदेश देना चाहूँगा, माँ बाप को, उनके गार्जियंस को, कि वो भी थोड़ा सा अपने बच्चे का ख्याल रखें, क्योंकि हम एक समाज के हिस्से हैं और समाज के हिस्से में हम सबको ये ख्याल करना चाहिए, कोई भी बच्चा है वो हमारा ही बच्चा है। अगर इस तरीके का काम कोई करता है तो फौरी तौर पे हमें पुलिस को, किसी को इन्फॉर्म करके इस काम को रोकने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये बड़ी भयंकर रूप धारण कर चुकी है। इसमें सरकार के साथ साथ सिविलियन को, सिविलियंस की भी भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन तो देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ संदीप जी। सरकार हमेशा कोई ना कोई स्कीम चलाती है। एक पल्स पोलियो ड्रॉप स्कीम चली थी, आप देखिए कि वो स्कीम कोई आज से नहीं चलती आई थी, वो बहुत पुरानी चलती आई थी, लेकिन वो कामयाब कब हुई? जब सिविलियंस के सहयोग हुए। बहुत बड़े बड़े आपके फिल्म स्टार्स उसका प्रचार करते थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया, वो घर घर तक पहुंची। इसी तरीके से जो स्वच्छ भारत है, क्या स्वच्छ भारत जो था वो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, उसके साथ साथ सारे सिविलियन जुड़े। आज देखो हमारी जो सार्वजनिक जगहें हैं उनमें लोग जागरूक हुए हैं, गाँव के अंदर छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों को सफाई रखते हैं और अपने घरों में भी सफाई, बच्चे कहते हैं कि कूड़ा बाहर मत फेंको। तो ये एक एक सबका एक कॉमन दायित्व है कि ऐसी अगर जो चीज़ समाज को ख़त्म करने वाली चीज़ हो, समाज के अंदर बुराई फैलने वाली चीज़ हो, वो सब लोग मिलके, इसमें हम किसी को दोष दें, सरकार तो यहाँ बीजेपी की है और पंजाब में कांग्रेस की है, राजस्थान में कांग्रेस की है, सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी है, सवाल ये है कि ये कॉमन बीमारी है और सब लोगों को मिल बैठ के इसके जूझना चाहिए और कुछ रोकथाम के लिए हमें खुद सतर्क रहना चाहिए। देखिए जी, हमारे सांसद महोदय माननीय सुनीता दुग्गल जी एक बारी मुलाकात करके आई थी हमारे रेलवे मिनिस्टर से, तो उन्होंने डवाली की सारी समस्याएं पूछी, हमने ये सारी प्रपोजल्स बना के और इसका खाका तैयार, फुट ओवर ब्रिज, स्कूटर ब्रिज, टू व्हीलर का स्कूटर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, हाँ, आप तो नया की बात कर रहे हैं, पहले यहाँ था बना फुट ओवर ब्रिज। देखिए वो स्टेशन के बाद वो पेडिस्ट्रियन वो रेलवे ने बंद कर दिया था। नहीं नहीं, मेरी बात ऐसे है, वो पेडिस्ट्रियन था, पेडिस्ट्रियन मतलब वो आदमी चल के जाया करता था। अब ये फुट ओवर ब्रिज है जो जिसको बोलते हैं टू व्हीलर स्कूटर ब्रिज, जो कि हम देखते हैं नेशनल हाईवेज में भी बने हुए हैं, हिसार के अंदर जो कैंट एरिया है वहाँ बना है, हाँ गंगा पे है रेलवे स्टेशन, हाँ जी, जितने भी हाँ ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल है, आप वहाँ जाके देखोगे तो बहुत जगह है। उसका सरकार के पास हमने प्रपोजल भेज दिया है, हम सिर्फ रेलवे से एनओसी लेंगे, सारा चीज़ बनाने का काम सरकार करेगी, क्योंकि अगर हम टेक्निकलिटी में जाएंगे, पैसे में जाएंगे तो वो चीज़ें लटक जाती हैं। हम डवाली की जनता को ज़्यादा कोई चीज़ों पे इंतज़ार नहीं करने देंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ टेक्निकली लेके सरकार के पास जाते हैं। हमारा एजेंडा
वो एजेंडा नहीं है जो कांग्रेस का एजेंडा था कि 10-10 साल कामों को लटका के और दोष दिया करते थे। ये सरकार फौरी तौर पे काम करती है। इसी सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर जो आर्टिकल 370 और 35 ए था वो 3 घंटे में समाप्त किया। कांग्रेस ने 60 साल लगा दिए सोचते सोचते। किसान बीमा योजना की बात की उन पैसों के खातों में 2 लाख रुपए आया। अब पैसा ना आने की मांग कर रहे हैं, हम अभी तक प्रदर्शन करते हैं। पैसा ना आने की कैसे? उनके खातों में पैसा नहीं है। मैं आपको आपको थोड़ा सा क्रेडिट आपको 2018 का जो पेंडिंग है वो भी कोर्ट में कोर्ट में चलाया नहीं किसान। देखिए मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ कि जिन लोगों की 2018 की पेंडेंसी आप बता रहे हो उनका या तो बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं डला, क्योंकि अगर कई दफ़ा क्या हुआ कई बैंक्स ने उनका पैसा काटा और 3 दिन बाद वापस डिपॉजिट कर दिया। सारे सिर्फ वही केस हैं जिनमें किसान संभाल नहीं पाया या बैंक के लोगों अधिकारियों ने उनके साथ शैतानी की। सरकार के पास जितना आंकड़ा गया, क्योंकि 2 तरीके की चीज़ें हैं, जो फसल बीमा क्लेम है सरकार ये देती है, जो एजेंसीज हैं जैसे ICICI ओरिएंटल बजाज इन्होंने हरियाणा का वो लिया हुआ था टेंडर, इनके पास था। जो भी डाटा सरकार के पास आया सरकार ने उस डाटे को वेरीफाई करके पूरा पैसा देने का काम किया है और चेक्स रखे हैं सरकार ने कि डिलीवर पैसा हुआ या नहीं हुआ। हम DC साहब के माध्यम से सरकार के पास रिपोर्ट जाती है। जिन विषयों को लेकर आप बात कर रहे हो वो धरना HDFC बैंक के आगे लगा था, वहाँ भी मैं गया था। वहाँ किसान भाइयों के साथ ये हुआ कि प्राइवेट बैंक थे, उन्होंने 3 दिन तक पैसा उनका होल्ड करके 3 दिन बाद वापस डाल दिया। उसके ऊपर भी कड़ा नोटिस सरकार ने लिया है, उन बैंक्स को हमने नोटिस भी इशू किया है कि इस तरीके की घटना आपने क्यों की। और किसान भाइयों को भी मैं कहता रहता हूं बार बार कि हमें भी जागरूक रहना चाहिए। अगर सरकार ने कोई स्कीम लागू की है तो उस स्कीम को हम पढ़ें, उस पर जागरूक रहें और स्कीम का लाभ तब मिलेगा जब हमें उस स्कीम के बारे में सारी जानकारी होगी। और अभी जो आप इशू बता रहे हो मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री पेंशन योजना जो है उसका पैसा आ रहा है क्योंकि डाटा अभी अपलोड हो रहा है और अब तो ये है कि हर इंसान को पैसा मिलेगा, चाहे वो 1 एकड़ से है, चाहे वो 100 एकड़ का है, चाहे वो 30 एकड़ का है, सबको प्रधानमंत्री जी फसल बीमा पेंशन अलाउ कर दी है। हमारा सारा रिकॉर्ड जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। आज हमारी जो फर्दे हैं वो भी कंप्यूटर के मार्फत निकल रही है। अब उन सारे डेटाज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं खाते अलग अलग करके और इसमें समय लग रहा है। लेकिन सरकार का सबसे खासियत सरकार इस सरकार में क्या रही, इस सरकार ने हर चीज़ को सिस्टम में डालने का काम किया और जब काम सिस्टम में डल जाएगा तो किसी किसान को दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अब से पहले फसल बीमा मुआवजा मिला करता था, वो मुआवजा था कोई 500 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये और चौटाला साहब के राज में जो फसल बीमा मुआवजा था वो इन कैश मिलता था। मेरी फसल खराब हुई थी, मुझे याद है कि पटवारी मेरे पास आए 816 रुपये दे के गए। 816 रुपये मेरी पूरी फैमिली का शेयर था और वो नगद भुगतान करके गए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ये पहली सरकार है जिसने करप्शन को रोकने का काम किया, किसान का पैसा उसके डायरेक्ट खाते में डाला है और करोड़ों रुपये डाला है। आप मान के चलो यही राज, यही चीज़ अगर किसी और राज में लागू होती तो शायद करप्शन का लेवल इतना बढ़ जाता कि किसान तक पैसा नहीं पहुँच पाता। इस सरकार ने सिस्टम को लागू किया है, ऑनलाइन सिस्टम है, धीरे धीरे जो कमियां हैं वो सरकार, समय लगता है, कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती क्योंकि हरियाणा कोई छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें व्यवस्थाओं को बनाना उसमें समय चाहिए। क्योंकि अब से पहले जितनी सरकारें थी वो हमेशा आउट ऑफ वे काम, आउट ऑफ रूल काम किया करती थी और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इनेलो सरकार के जो मुखिया हैं वो आज कहाँ बैठे हैं, क्योंकि अगर वो सारा सिस्टम होता शायद उनके हालात ये ना होते।